आदरणीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति व तर्कशील सोसाइटी के पदाधिकारीगण, जैसा कि सभी को विदित ही है कि आज हम यहां ये धरने का आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पंसारे, डॉक्टर कलबुर्गी, इनका एक ही तरीके से कत्ल ऐसे लोगों ने किया है जो समाज को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, इतिहास को उल्टा घुमाना चाह रहे हैं। अब सोचने की बात है कि डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड पंसारे और डॉक्टर कलबुर्गी, क्या दोष था उनका? केवल यही कि वो जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे, समाज को जागरूक करके एक बेहतर समाज व्यवस्था का कायम करने के लिए काम कर रहे थे, समाज में से अंधविश्वासों को खत्म करके पूरे समाज में एकता, समानता, भाईचारा कायम करने का काम कर रहे थे। परंतु हमारे भारत में दुख की बात यह है कि आज पिछले कुछ समय से जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे अलग अलग प्रांतों में जो सरकारें हैं, वो प्रगतिशील लोगों की कार्य प्रणाली को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आज भी भारत में मनुस्मृति का राज कायम हो, मनुस्मृति के नियम और कानून के तहत ही यहां व्यवस्था चले। इतिहास को उल्टा घुमाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। अगर एक दाभोलकर मरेगा, एक पंसारे मरेगा, एक कलबुर्गी मरेगा, तो उनके पीछे उनके विचारों को अपनाने वाले हजारों, लाखों और बाद में करोड़ों भी होंगे और इतिहास को सही दिशा में आगे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। इनको एक मनोभ्रम है ऐसे लोगों को कि प्रगतिशील लोगों के आगुओं का कत्ल करके लोगों का मनोबल तोड़ देंगे और जो आवाज है विरोध की उसको दबा देंगे। परंतु साथियों, जो सच की आवाज है वो कभी दबाई नहीं जा सकती, चाहे उस पर कितने भी जुल्म किए जाएं। सच की आवाज दबती नहीं है, कुछ समय तक रुक सकती है परंतु दबती नहीं है। इतिहास गवाह है, दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब भी सत्ता ने सच की आवाज को दबाने की कोशिश की है तो लोग सच के साथ लाखों की तादाद में जुड़े हैं, आगे बढ़े हैं और ऐसे जालिम को सबक सिखाया है। और आने वाला समय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के, डॉक्टर कलबुर्गी के, गोविंद पंसारे के, उनके विचारों पर आगे बढ़ते हुए एक स्वस्थ समाज कायम करेगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। हम तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से भी, तर्कशील सोसाइटी पंजाब की तरह, हर कदम पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ हैं, कदम ब कदम साथ चलेंगे और अंतिम समय तक इन साथियों को इंसाफ मिलने के समय तक हम साथ रहेंगे, हर काल पर आगे बढ़कर साथ देंगे। ये मनुस्मृतिवादी लोग जो हैं,
केवल यही नहीं कि केवल महाराष्ट्र में ही वो ऐसे कत्लेआम कर रहे हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं। हमारे हरियाणा में भी आपने पहले अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक बाबा है सिरसा में धन धन सतगुरु वाला, जिसके इशारे पर एक पत्रकार, सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का कत्ल हुआ था और कातिल मौके पर पकड़े गए थे और जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया कि उनको स्कूटर भी और रिवाल्वर भी डेरे से मिला था कत्ल करने के लिए, क्योंकि रामचंद्र छत्रपति का दोष केवल यही था कि उसने अपनी अखबार में एक साध्वी का पत्र प्रकाशित कर दिया था, जो कि उस साध्वी ने वो पत्र उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने डेरे की काली करतूतों का वर्णन किया था। और वो पत्र मेरे पास भी पहुंचा था, मेरे ही गांव का एक उस संस्था का बहुत बड़ा अनुयायी था, उसने उसकी काली करतूतों को देखते हुए अपनी बहन और अब बच्चों को वहां से बुला लिया था, उसका भी कत्ल कर दिया गया था। और उसके कत्ल के बाद मेरे ऊपर भी 3-4 बार उन्होंने कातिलाना हमला किया, परंतु मैं अपनी हिम्मत से और सही दिशा, सही सोच के कारण बचता रहा, क्योंकि मैं अकेला उनको कभी मिल नहीं सका। उनकी नीति ये थी कि ब्लाइंड मर्डर करना है, जिसको भी मारना है, ऊपर से निर्देश था कि जिसको भी मारना है ऐसे मारना है कि अकेला कोई सबूत ना बाकी रहे। तो उस मामले में मेरी कोर्ट में गवाही भी हुई है उसी बाबा के खिलाफ, बाबा मेरे सामने बैठा है, मैंने उसके खिलाफ गवाही भी दी है। मेरे को उन्होंने यहां तक भी, उनके श्रद्धालुओं द्वारा यहां तक भी कहा गया कि भाई गवाही ना दो, तुम्हें ब्लैंक चेक दे देते हैं, जितना मर्जी पैसा भर लेना। परंतु मैंने कहा कि नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम जो सच है सच के साथ खड़े रहेंगे। और उसके बाद जब ऐसे नहीं खरीद सके तो कातिलाना हमला करके डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की। तो साथियों, जो जिंदा दिल लोग हैं वो इनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि सदियों से ऐसा होता आया है, जो जिंदा दिल लोग हैं उनको मुकाबले करने पड़ते हैं, संघर्षों में तपना पड़ता है, अपनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अभी चाहे कलबुर्गी हों, चाहे गोविंद पानसारे हों, चाहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हों, उनकी शहादत हुई है। अभी ये नहीं कि केवल वहीं तक ये बात सीमित हो गई, आगे आने वाले समय में हम साथियों में पता नहीं किन किन की और शहादत की जरूरत पड़ेगी, खून देने की जरूरत पड़ेगी। और हम साथी अपना खून देने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। शहीद आजम भगत सिंह के शब्दों के अनुसार कि जब तक इंसान के हाथों इंसान का शोषण खत्म नहीं हो जाता, ऐसा समाज का निर्माण करना है। उस समाज के निर्माण की कायमी तक हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय तर्कशीलता। धन्यवाद।